तो इस वाले क्वेश्चन को देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक सैंपल है, रेडियोएक्टिव सैंपल है, जिसमें इतने न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियाई हैं, रेडियोएक्टिविटी सैंपल है, हाफ लाइफ 10 डेज है, नंबर ऑफ डी के न्यूक्लियाई आफ्टर 30 डे, मतलब 30 दिन के बाद कितना डी के होगा। तो ध्यान रखना, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी वाला फार्मूला लगाते हैं, तो ये यहाँ पर मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा नहीं दिया प्यारे बच्चों। तो अगर लैम्डा नहीं दिया तो इसका दूसरा फॉर्मेट है एन इज इक्वल टू एन नॉट इसका 1/2, और यहाँ से स्मॉल टी अपन कैपिटल टी, ये वाला फार्मूला मैं लगाऊंगा। तो इसमें जो एन है वो यहाँ से रिमेनिंग है, बचा हुआ है, तो ये रिमेनिंग नहीं पूछा है, ये पूछा है डी के कितना हो गया 30 दिन बाद। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं 30 दिन बाद बचा कितना है। तो 30 दिन बाद जो बचा है वो एन नॉट, एन नॉट शुरू शुरू में कितना था, 4 × 10 की पावर 6 न्यूक्लियाई था, 1/2, और यहाँ से तुम देखोगे हाफ लाइफ 30 दिन बाद, और हाफ लाइफ इसका कितना है 10 डेज है, तो ये खत्म हो गया इसको। तो 4 × 10 की पावर यहाँ से 6, और यहाँ से आ जाएगा 8, तो यह आ जाएगा 2, मतलब 0.5 × 10 की पावर 6 न्यूक्लियॉन, इतना न्यूक्लियॉन जो है वो रिमेनिंग है, बचा है। तो एन जो है वो 0.5 × 10 की पावर 6 है, और ये क्या है, रिमेनिंग है, ये बचा हुआ है भाई, इतना बचा हुआ है। तो डी के कितना हो गया, खत्म कितना हो गया, ठीक है। तो खत्म मान लो एन डैश हो गया, तो एन नॉट में से माइनस एन घटा दोगे, तो एन नॉट कितना था, 4 × 10 की पावर 16 माइनस यहाँ से 0.5 यहाँ से, और 10 की पावर यहाँ से 16, ये 16 है प्यारे बच्चों, तो ये 16, तो ये 16 है, मतलब यहाँ से 3.5 × 10 की पावर 16, तो 3.5 × 10 की पावर, मतलब जो सी ऑप्शन है वो अपना सही हो जाता है, ठीक है ना। आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा, थैंक यू।